हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं रिव्यू लेकर आई हूँ हिमालय की बेबी क्रीम का। अब बेबी क्रीम सोच के बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या हम इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अडल्ट हैं, चाहे आप टीनेज में हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, आप कोई बड़ा इंसान, हर एज ग्रुप का इंसान इसे यूज़ कर सकता है। तो चलो अब हम बैठते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो क्रीम है मैंने हिमालय स्टोर से परचेज करी थी और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 160 रुपीज़ की पड़ी थी और ये 100 ml की ट्यूब है। इसमें एक छोटी ट्यूब भी आती है, वो है 50 ml की। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें जो भी है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पीछे मेंशन है, और इसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। पर मेनली जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें ऑलिव ऑयल और कंट्री मेलो है। ऑलिव ऑयल जो है हमारी स्किन को गुड लश्चर देने के काम आता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है और हमारी स्किन में एक तरह से ऑयल प्रिवेंट करता है। और जो कंट्री मेलो है वो हमारी स्किन के लिए एक एंटी मेलो है, वो एक एंटीबायोटिक है और वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्रीम की। तो ये जो है ट्यूब फॉर्म में हमें रिसीव होती है, ईजी टू कैरी है, आप इसे अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इसमें लीकेज का कोई इशू नहीं आने वाला। दूसरा, ये जो है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चराइज बनाती है और जेंटल बनाती है। और थर्ड, हमारी स्किन में ये जो है ऑयल प्रिजर्व करती है। एंड देन आप कोई भी स्किन टाइप के हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, या फिर स्किन सेंसिटिव ऑयली या ड्राई है, हर स्किन टाइप का बंदा इसे यूज़ कर सकता है क्योंकि ये हर स्किन टाइप के लिए है। एंड देन क्योंकि बच्चों की क्रीम है तो इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा, जैसे कि पैराबिन, सल्फेट या SLES हो गए। ये तीनों हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन को एक तरह से डैमेज करते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो क्रीम है डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और इसमें कोई भी ऐसा सिंथेटिक कलर नहीं है जो कि इसमें, या ऐसी सिंथेटिक स्मेल नहीं है जो कि इसमें फालतू में एड ऑन करी गई हो। ये जो है बिल्कुल नेचुरल बेस पे बनाई गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन से बनाई गई है तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसी को देखते हुए ये क्रीम जो है बनाई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस क्रीम की। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये जो है हमें वाइट कलर के इसमें रिसीव होती है, आप देख ही सकते हैं, और इसकी स्मेल भी जो है काफ़ी सूदी और बहुत स्वीट सी स्मेल इसमें से मुझे आती है। अगर मैं बोलूँ तो ये तभी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, ना ही हमारी स्किन को ऑयली बनाती है और ना हमारी स्किन को चिपचिपा बनाती है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, बहुत सारी क्रीम ऐसी होती है कि हमारी स्किन के ऊपर ऑयल छोड़ देती है, बट इस क्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे दोनों वेदर्स में यूज़ कर सकते हैं, गर्मी में भी और ठंड में भी। और दूसरा, ये जो है हमारी स्किन में तभी ऑब्जर्व हो जाती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्मूथ बनाती है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइड्रेशन की, तो ये वो काम भी प्रॉपरली कर लेती है। अब देख ही चुकी, ये जो है तीनों काम बहुत अच्छे से करती है। और अगर आप इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। एंड देन अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।